नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो पीएम विश्वकर्मा के तहत प्रगति के एक वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना पिछले साल शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य भर के प्रतिष्ठित कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि 15 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रधानमंत्री पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में सहायता दी जाएगी। 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि पीएम मोदी चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, साथ ही यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और विदेश साझेदारों, उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज रांची के राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगी। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करेंगी, साथ ही वैज्ञानिकों से संवाद भी करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 22 सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज दमन में श्री धनखड़ जमपुर स्थित पक्षीशाला का उद्घाटन करेंगे। वे जमप्रेन में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय रिंगनपाड़ा पंचायत और रिंगनपाड़ा स्कूल का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह साहिबगंज और गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही अमित शाह बाबा झारखंडी धाम मंदिर में दर्शन व पूजन भी करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के भाजपा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा हेमंत सरकार को बदलने का काम करेगी। हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार की पार्टी है, न कि आदिवासियों के हित के बारे में सोचने वाली पार्टी। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में झारखंड में बीजेपी की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय पूर्वी राज्यों के साथ ओडिशा के भुवनेश्वर में आज चौथी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन करेगा। यह बैठक श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम सुधारों, असंगठित श्रमिकों के ई श्रम राष्ट्रीय डेटाबेस, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर कल से आपातकालीन ड्यूटी में शामिल होंगे। उन्होंने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि जघन्य अपराध के दोषियों को सजा नहीं मिल जाती।
लाडली बहना योजना के पैसे को लेकर विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष नकली आख्यान फैलाने का काम करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की वजह से विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगी, जहां वे अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, मेधावियों को डिग्री और गोल्ड मेडल प्रदान करेंगी। बिहार के गया में सीपीआई माओवादी मगध जोन पुनरुद्धार मामले में एनआईए द्वारा व्यापक तलाशी में बड़े पैमाने पर हथियार, नकदी और आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद हुए हैं। राजस्थान के टोंक इलाके से 3 तलाक का मामला सामने आया, पीड़िता ने कोतवाली क्षेत्र में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आज रेलवे सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस मना रहा है। रेलवे और यात्रियों की सुरक्षा को और बेहतर करने के उद्देश्य से साल 1985 में 20 सितंबर को रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावट पर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रसाद में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलने की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड यानी CAALF लैब की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बीते दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पवित्र प्रसाद लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का उपयोग किया गया। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलने की मंजूरी दे दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। स्कूली बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण और साहस तथा बलिदान की भावना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता और शहीद वीर अब्दुल हमीद पर एक पाठ को NCERT के 6ठी कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। देशभर के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 22 से 25 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 7 दिनों में कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी दिल्ली में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 90वें स्थापना दिवस पर पुणे में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकिंग क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर तत्काल होने वाले सभी डिजिटल पेमेंट्स में से 45% भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि UPI पेमेंट सिस्टम इस समय 7 देशों में शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। भारत वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। 19 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस बहुप्रतीक्षित वैश्विक कार्यक्रम में 90 से ज्यादा देशों, 26 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 18 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रालय और संबद्ध संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। सारी छुरियां भर देती है, दीवार हम वार कर देती है। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डाले। MDH का चंकी चाट मसाला। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह ऐसा एक मंच है जहां से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोगों को अवसर मिलते हैं। फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में है, इसमें रोजगार के बड़े अवसर हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश का खरीफ चावल उत्पादन पिछले साल के लेवल को पार करने की उम्मीद है। उन्होंने भारी बारिश से कुछ फसल नुकसान के बावजूद प्रत्याशित उच्च पैदावार का हवाला दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले सप्ताह तक कुल चावल का रकबा 1.64 मिलियन हेक्टेयर बढ़कर 41 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। वहीं नवंबर के आसपास काटी जाने वाली खरीफ चावल की फसल भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 70% है। भारत वित्त वर्ष 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। दिग्गज अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रमुख उभरते मार्केट इंडेक्स में शामिल होने के बाद से भारत सरकार के बॉन्ड में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के टॉप 75 वैल्यूएबल कंपनियों का कुल ब्रांड वैल्यूएशन 19% बढ़कर 450.5 अरब डॉलर हुआ। मार्केटिंग डाटा और एनालिटिक्स से जुड़ी कंपनी कांतार ब्रांड्स की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। कांतार ब्रांड्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की प्रमुख IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लगातार तीसरे साल इस लिस्ट में पहले स्थान पर काबिज है। इसके बाद HDFC बैंक का दूसरे, एयरटेल तीसरे, इंफोसिस चौथे और SBI पांचवें स्थान पर है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में 0.50% की कटौती से भारत में विदेशी निवेश पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। अजय सेठ ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने वही किया है जो उसे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन RBI भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों में कटौती पर फैसला लेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत घटकर एकल अंक पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय कई राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है जिससे भारत की लॉजिस्टिक्स लागत पर कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 2014 में 7.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं भारत को अपने निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने की जरूरत है। ओडिशा सरकार ने 39,271 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 17,098 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि सरकार ओडिशा में औद्योगिक विकास व आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने वाले माहौल को लेकर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य ओडिशा को भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। दूरसंचार कंपनियों को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल सहित कई कंपनियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें समायोजित सकल राजस्व में कथित त्रुटियों को सुधारने का अनुरोध किया गया था।
वॉल्ट डिज्नी की भारतीय इकाई स्टार इंडिया ने लंदन की मध्यस्थता अदालत में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस से 94 करोड़ डॉलर का हर्जाना मांगा है। स्टार इंडिया के अनुसार पुनित गोयनका की कंपनी ने क्रिकेट प्रसारण अधिकारियों के लिए भुगतान में चूक की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्याज दरों के बारे में फेड अध्यक्ष पॉवेल से बातचीत नहीं की है। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार जारेड बर्नस्टीन ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पॉवेल से बात नहीं की है, उन्होंने पॉवेल पर कोई दबाव नहीं डाला। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया है। दोनों ओर से घातक हमले हुए हैं जिससे क्षेत्रीय युद्ध के और भीषण होने की आशंका बढ़ गई है। टेलीविजन भाषण में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने लेबनान में संचार उपकरणों को निशाना बनाकर किए गए हाल में हुए विस्फोटों की निंदा की और उन्हें युद्ध की कार्रवाई बताया और सीधे तौर पर इसराइल को दोषी ठहराया। नसरल्लाह के भाषण के बाद इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने तेल अवीव में किराया सैन्य अड्डे से एक वीडियो संदेश में कहा कि लेबनान में इसराइल का सैन्य अभियान जारी रहेगा। तनाव बढ़ने पर लेबनान के प्रधानमंत्री नजब मिकाती ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेबनान के खिलाफ इसराइल की आक्रामकता और तकनीकी युद्ध के खिलाफ एक निवारक और दृढ़ रुख अपनाने का आग्रह किया। मिस्र के बाद फ्रांस का दौरा कर रहे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मध्य पूर्व में किसी भी पक्ष द्वारा बढ़ती कार्रवाई के खिलाफ आग्रह किया। उधर ब्रिटेन ने भी संयम बरतने का आह्वान किया है। रूस ने पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में अपने ड्रोन उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाने की योजना बनाई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में इसकी घोषणा की है। मानव रहित हवाई वाहन पर सैन्य औद्योगिक आयोग की बैठक में पुतिन ने कहा कि 2023 में सशस्त्र बलों को विभिन्न प्रकार के लगभग 140,000 ड्रोन वितरित किए गए थे। चालू वर्ष में ड्रोन उत्पादन में अचानक विस्तार होने की उम्मीद है। श्रीलंका में कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए पोलिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। राष्ट्रपति पद के लिए इस बार निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह, विपक्ष के नेता और एसजेपी उम्मीदवार साजिद प्रेमदासा, एनपीपी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके और एसएलपीपी से नमल राजपक्षे मैदान में है। चुनाव में शामिल 35 उम्मीदवारों के मुकाबले इस बार के चुनाव में अब तक के सर्वाधिक 38 उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने बाढ़ग्रस्त मध्य यूरोपीय देशों के लिए 10 अरब यूरो की सहायता की घोषणा की है। कल पोलैंड के रोकला में हुई बैठक में चेक गणराज्य, पोलैंड और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री तथा ऑस्ट्रिया के चांसलर उपस्थित थे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बाढ़ग्रस्त देशों को पुनर्निर्माण कार्य के लिए सहायता दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया। भारत आज सुबह चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे अपनी पहली पारी के स्कोर 6 विकेट पर 339 रनों से आगे खेलना शुरू करेगा। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक रविचंद्रन अश्विन 102 रन और रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। कल दोनों के बीच 195 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। अश्विन ने अपना छठा टेस्ट शतक और चेपॉक में अपना दूसरा शतक बनाया। इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने 56 और ऋषभ पंत ने 39 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने 4 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की। बुडापेस्ट में चल रहे 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय शतरंज टीम ने 8वें दौर में ईरानी टीम को हरा दिया है। भारतीय टीम के अब 8 मैचों में 16 अंक हैं। पैतालीसवें शतरंज ओलंपियाड मुकाबले के महिला वर्ग में भारत को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। महिला वर्ग में वैशाली पोलैंड की मोनिका सोपो से और हरिका अलीना से हार गई। 8वें दौर के बाद भारत, कजाकिस्तान और पोलैंड की महिला टीमों के समान रूप से 14-14 अंक हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत की मालविका बंसूर का सामना जापान के अकाने यामागुची से होगा। यामागुची 2 बार के विश्व चैंपियन और पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं।
खेल मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र के पुणे में विकसित भारत एम्बेसडर युवा कंटेस्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और विक्टोरिया महिला टीम के कोच रहे दुलीप समरवीरा को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कोचिंग से 20 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उन्हें विक्टोरिया की महिला टीम के साथ दुर्व्यवहार के लिए आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगनाथन ने पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 17 वर्षीय भारतीय भारोत्तोलक धनुष लोगनाथन ने कुल 231 किलोग्राम भार उठाया। भारतीय भारोत्तोलक वालोरी अजय बाबू ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 81 किलो जूनियर और सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 19 वर्ष के बाबू ने कुल 326 किलो वजन उठाया। वहीं पुरुषों के 89 किलो वर्ग में लाल हुआ तोलफेला ने रजत पदक जीता, जबकि हृदयंदर दास को युवा वर्ग में रजत और जूनियर वर्ग में कांस्य पदक मिला। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने पिछले सप्ताह स्वीडन के खिलाफ भारत के डेविस कप मुकाबले के हटने के अपने फैसले को लेकर उठे विवाद को स्पष्ट करते हुए चोट की चिंता का हवाला दिया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेखिका पैट्रिसिया कॉनवेल के सबसे अधिक बिकने वाले नॉवेल स्कॉर्पेटा को सीरीज में तब्दील किया जा रहा है। इसमें हॉलीवुड स्टार्स निकोल किडमैन और जेमी ली कर्टिस ने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही फिल्म लव एंड वॉर 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म वेटरियन के किरदारों से पर्दा उठना शुरू हो गया है। इसी बीच फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक शक्तिशाली प्रोमो जारी किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन को सत्यदेव के रूप में पेश किया गया है। एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान को मॉर्निंग वॉक के दौरान धमकी मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूर्या की फिल्म कंकुआ की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। फिल्म 14 नवंबर 2024 को कंकुआ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मशहूर कोरियोग्राफर जॉनी वासर का यौन उत्पीड़न मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 वर्षीय महिला ने कोरियोग्राफर के खिलाफ हैदराबाद के राय दुर्गम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। विजेता पंडित ने खुलासा किया है कि उनकी बहन और पूर्व अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित को अभी तक नहीं पता कि उनकी बहन की हत्या कर दी गई थी। विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा स्टारर द साबरमती रिपोर्ट की एक बार फिर से रिलीज डेट बदल दी गई है। फिल्म नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 14 में करणवीर मेहरा पहले फाइनलिस्ट बन चुके हैं, लेकिन उनके साथ गश्मीर महाजनी और शालीन भनोट ने भी फाइनलिस्ट में एंट्री कर ली है। अब कृष्णा श्रॉफ और निवृत्त कौर अहलूवालिया के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ शादी के बाद मुंबई लौट आए हैं। शादी के बाद जोड़े ने मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई, जिसका वीडियो इंटरनेट जगत में ताबड़तोड़ वायरल हो गया। दोबारा रिलीज के बावजूद फिल्म तुम्बाड़ का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब तक फिल्म की कुल कमाई 12 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। अभिनेता दीपक तिजोरी ने फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम खाखर के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कराया है।
ब्रिटिश का मशहूर रॉक बैंड कॉल्डप्ले भारत में धमाल मचाने आ रहा है। ब्रिटिश रॉक बैंड कॉल्डप्ले 2025 में म्यूजिक ऑफ द स्पेयर्स वर्ल्ड टूर के दौरान मुंबई में भी परफॉर्म करेगा। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया के पिता और बॉलीवुड के कई लोगों के करियर को उड़ान देने वाले जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर विपिन रेशमिया का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने के बाद अब फिल्म किल के तमिल और तेलुगु रीमेक पर काम चल रहा है। किल का तमिल और तेलुगु रीमेक भी बनने वाला है। इस रीमेक का निर्देशन रमेश वर्मा करेंगे। निर्देशक रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण की एंट्री हुई है। फिल्म में दीपिका एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा 31 साल बाद 18 अक्टूबर को पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इससे पहले इस फिल्म को 1993 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मूल रूप से रिलीज किया गया था। इसके बाद में प्रसारित भी किया गया था। यह फिल्म हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु सहित कई भाषाओं में रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री सयामी खेर जर्मनी में होने वाले आयरमैन 70.3 ट्रायथलॉन को पूरा कर मेडल पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं। फिल्म ताल ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इसी का जश्न मनाते हुए फिल्म को 27 सितंबर को फिर से रिलीज किया जाएगा। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।